बिग बॉस के सेट से आ रहे हैं ये पक्की खबर कि इस हफ्ते नहीं हो रहा है कोई भी इविक्शन। जी हाँ, ये खबर कहीं ना कहीं मैं आपको पहले एक अंदाजा लगा के बता चुकी थी। आखिर क्या है बुरी खबर, बताती हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। वीकेंड का वार का शूट हो जाता है फ्राइडे को ही, जहाँ से ये खबर आ रही है कि इस हफ्ते कोई भी नहीं हुआ है घर से बेघर। अब उसकी कुछ रीजंस इस प्रकार हो सकते हैं कि विकास गुप्ता जो है अभी हेल्थ ग्राउंड्स पर बीच में इस हफ्ते के चले गए थे, जिसके बाद हो सकता है कि एक कंटेस्टेंट ऑलरेडी चला गया हो, इसलिए नहीं किया गया हो इविक्शन। और वहीं ऐसा हो रहा है कि बार बार जो है इस तरह के कंटेस्टेंट बीच में चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर की स्ट्रेंथ वैसे ही कम होती जा रही है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे उनसे जो कंटेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे सोनाली फोगाट कंटेंट नहीं दे पाएंगी, लेकिन पिछले हफ्ते जिस तरीके से उन्होंने घर में बवाल मचाया है उनसे कहीं ना कहीं कंटेंट की एक्सपेक्टेशंस और होंगी कि अभी और कुछ कर सकती हैं वो। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रख के मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि नहीं करना चाहिए अभी कोई भी इविक्शन, क्योंकि हफ्ते काफ़ी बाकी हैं, कंटेस्टेंट्स कम होते जा रहे हैं हेल्थ ग्राउंड्स पर या जिस भी रीज़न की वजह से। ऐसे में नहीं किया गया है इस बार कोई भी इविक्शन। वैसे हम आपको बता दें कि सोनाली के सबसे कम वोट्स बताए जा रहे हैं, वहीं निकी उनके जस्ट ऊपर थी, निकी से ज़्यादा वोट्स राहुल वैद्य के थे, वहीं सबसे ज़्यादा वोट्स थे रुबीना दिलैक के। तो आपको क्या लगता है, ये नो इविक्शंस जिस तरीके से हो रहे हैं वो सही हैं या गलत? क्योंकि अभी तक जैस्मिन जैसी बड़ी खिलाड़ी बाहर हो चुकी है, तो ऐसे में ये बड़ा जो है अनफेयर सा लगता है कि नहीं हुए हैं इस बार कोई भी इविक्शन। और पिछले हफ्ते जब चार बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे तब हो गए थे इविक्शन और जैस्मिन हो गई थी घर से बेघर। आइए करते हैं इसी पर चर्चा, लगातार हमारे साथ जुड़े रही, क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।